हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि 1919 में हुआ था। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, जिसमें हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी कि दो पंजाब के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अमृतसर। तो उनके नाम क्या क्या थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इनकी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब है, हम हमेशा याद रखते हैं 1919। नहीं, आपको एक्यूरेट डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इट इज़ नोन एज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। इसे हमें हिस्ट्री, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है या जो हमारा भारत का स्वतंत्रता का इतिहास है, स्वतंत्रता का आंदोलन है, उसमें आप इसे एक एज अ टर्निंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हो कि ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके थ्रू जो जनरल पब्लिक थे, जो आम जनता थी, उनको ब्रिटिशर्स की असलियत का पता चलता है, ठीक है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो भी नेशनल मूवमेंट है 1905 के बाद के जो भी इवेंट्स हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से, वो सारे हम थ्रू हैंडरिटन नोट्स कवर कर रहे हैं। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इससे प्रीवियस हर एक इवेंट को मैंने हर एक वीडियो से के थ्रू आपसे रिप्रेजेंट किया है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई हैं, कोई लंबी वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में, आप आराम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब हमने ये पढ़ा कि दो पंजाब के लीडर्स को अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था, बट उनके अलावा दो पंजाब के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो वो कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड फेमस पर्सनालिटीज़ थी पंजाब की। इसके जब इन्हें अरेस्ट किया गया था, तो वहाँ के लोगों में बहुत ही, आप कह सकते ना कि वो बहुत एग्रेसिव हो गए थे, ठीक है। नाउ वहाँ पे बहुत ही वायलेंट सिचुएशन हो रही थी, ब्रिटिश सरकार से संभल नहीं रहा था कि अब करें क्या। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो हैंड ओवर कर दी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर दिया ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को। अब आपको याद रखना है, जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ पे दो डायर्स की बात करते हैं। एक है ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, मतलब जनरल डायर, और दूसरे हमारे पास आएंगे माइकल ओ डायर। वो भी हम अभी पढ़ेंगे, जस्ट 3-4 लाइन्स आगे, तो आप बने रहिए एंड तक, आपको दोनों का कंसेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन किनके पास चला गया, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर जी के पास चला गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 अप्रैल यानी वैशाखी वाले दिन, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कहा जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग एक पार्क टाइप होगा अमृतसर में, ठीक है। वहाँ पे कहा कि सारे लोगों को बुलाओ। सारे लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, सबको लगा कोई मीटिंग होगी, कोई भी अपना हथियार लेकर साथ में नहीं आया था, ठीक है। आम जनता हथियार तो कहाँ ही रखती होगी। अब हुआ क्या कि जो जलियांवाला बाग था, जो भी वहाँ के एंट्रेंसेस या जो भी गेट्स या डोर्स थे वहाँ पे एंटर करने के लिए, उन सबको क्लोज कर दिया गया और वहाँ पे ओपन फायरिंग करवा दी गई। ओपन फायरिंग आप समझते हैं कि शूटिंग स्टार्ट करवा दी गई। वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी आम जनता पे। ये प्रोसेस कितने टाइम तक चला, 10 से 15 मिनट्स तक चला। एंड इट स्टॉप्ड ओनली व्हेन एम्यूनिएशन एग्जॉस्टेड, जब बारूद ख़त्म हुआ इन्होंने फायरिंग तभी बंद की, तब तक जो है वो फायरिंग चलती रही, ठीक है। तो इससे आप सोच सकते हैं कितनी जान ये सारा लॉस हुआ होगा, राइट। नाउ दिस ब्रुटैलिटी स्टन्ड द एंटायर नेशन। अब पूरा देश इससे बहुत हैरान हो गया कि ब्रिटिशर्स ऐसा भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ फेथ। आप आंसर राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, लॉस ऑफ फेथ है, ब्रुटैलिटी है। लॉस ऑफ फेथ मतलब जनरल पब्लिक का ब्रिटिशर्स पे इतना ट्रस्ट था कि वो जो हमारी फ्रीडम की बात है उसे मानेंगे, या इतना कुछ बुरा तो नहीं कर सकते एटलीस्ट हमारे साथ। बट उन्होंने जो ये स्टेप, जो ये इवेंट किया ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं कि उनको बंद किया अंदर और ओपन फायरिंग करवा दी जब तक कि बारूद ख़त्म नहीं हुआ, जो कि 10 से 15 मिनट तक चला था। तो इसे ही हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे लॉस ऑफ फेथ हुआ वहाँ जनरल पब्लिक में। नाउ नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब कोई भी इवेंट होता है खतरनाक सा, उसमें होता क्या है, कोई ना कोई अपने टाइटल को रिनाउंस करता है, मतलब अपनी जो पदवी होती है ना उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल ऑफ सर। अपने नाइटहुड की उपाधि उन्होंने अनाउंस कर दिए, यानी अपने सर का टाइटल छोड़ दिया। सर शंकरन नैयर, जो शंकरन नैयर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। ये दो नाम, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कोई भी हम इवेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, ठीक है। वैसे तो हम वाइसराय अलग से पढ़ेंगे, कौन से वाइसराय ने क्या काम किया है वो भी हम पढ़ेंगे, बट जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पे वाइसराय कौन थे ये भी पता होना चाहिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे,
ठीक है। नाउ टू इंक्वायर इनटू इट एक कमीशन भी बनाया गया। अब जो ये सारा का सारा इवेंट हुआ इसमें इंक्वायरी भी होनी थी क्योंकि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। अब देखिए जब हम कमीशन पढ़ते हैं ना अलग से, कोई फूड के लिए है, कोई एजुकेशन के लिए है, तो हम हंटर कमीशन पढ़ते हैं एजुकेशन में। देखिए एजुकेशन के लिए भी एक हंटर कमीशन था और जलियांवाला बाग के लिए भी एक हंटर कमीशन था, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जिन्होंने तो नहीं पढ़ा है वो तो जलियांवाला बाग के कहते हैं कि इसी के लिए था, बट हंटर कमीशन दो थे, नाम बिल्कुल ही सेम है, एक एजुकेशन के लिए और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रोबिंग के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, अब बात बहुत आगे चली जाती है 1940 में। 13 मार्च 1940 को क्या होता है, कैक्सटन हॉल लंदन में जो सरदार उद्धम सिंह जी थे, अब ये कौन थे, ये जलियांवाले बाग हत्याकांड के गवाह थे, वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट थे, इन पे भी गोली लगी थी, ये भी घायल हुए थे। ठीक है, इन्होंने खुद फेस किया था उस सिचुएशन को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ही शॉट एंड किल्ड माइकल ओडायर। अब इन्होंने माइकल ओडायर को मार दिया, गोली मारी और उनको मार दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है माइकल ओडायर और हमने ऊपर क्या पढ़ा है, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, ये थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और इन्हें माना जाता है मेन प्लानर ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्होंने जो है जनरल डायर का जो एक्शन था शूटिंग का वो अप्रूव किया था, बट मेन प्लानर ये माने जाते हैं। इन्हें हम ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब के नाम, मतलब उस टाइम पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। ठीक है, मेन प्लानर ये माने जाते हैं। माइकल ओडायर को किसने मारा, सरदार उद्धम सिंह जी ने मारा 1940 में, मारा कैक्सटन हॉल लंदन उनके एरिया में जाके मारा। अब अगर हम बात करें, देखिए इनकी तो डेथ हो गई जो मेन प्लानर था, अब जो हम ऊपर बात कर रहे थे ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर की, उनकी डेथ ऑलरेडी हो गई थी 1927 में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड दैट्स इट गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट जो कि था खिलाफत मूवमेंट, जो कि हुआ था 1920 में। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज़ के किसी भी सब्जेक्ट पर या फिर एनसीईआरटी पे, क्योंकि मैं सारे एनसीईआरटी के भी हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं जल्दी से मेरे साथ अभी जुड़ जाएँ। एंड आज के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।